नमस्कार आदाब। न्यूज क्लिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश में चल रहे किसान आंदोलन की, अब तक उसकी क्या स्थिति रही है, आगे भविष्य में क्या कार्यक्रम है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक धावले। सर, हमारे न्यूज क्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत बहुत ही है। धन्यवाद आपको। जी, तो पहला सवाल तो यही कि AIKS ने एक ड्राफ्ट बिल बनाया पिछले हफ्ते, जो जारी किया गया, जो कि फसलों के दाम किस तरीके से तय किए जाएं, MSP को लेकर है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। अभी जो अखिल भारतीय किसान सभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो ड्राफ्ट हमने जो जारी किया है, उसका मुख्य कारण यह है कि आप जानती है इस आंदोलन के पूरा जो ये पिछले 3 महीने से किसान आंदोलन जो चल रहा है, उसमें से पहली मांग तो अर्थात ये जो कृषि कानून, जो काले कानून है, वो तो रद्द करने चाहिए। लेकिन दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है पूरे देश के लिए, और वो है कि MSP की गारंटी देने वाला कानून भी केंद्र सरकार ने बनाना चाहिए। अब इसके अंदर जो अभी प्रधानमंत्री जी ने जो अपना भाषण किया संसद में, तब उन्होंने इस प्रकार से वो जो हमेशा जो जुमलेबाजी उनका चलता है, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि MSP था, MSP है और MSP आगे भी रहेगा। तो सवाल यह है कि इसी के ऊपर हमने इसका विचार किया। पहली बात तो यह है कि ये MSP था, है और आज कल भी रहेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, एक्चुअली ये फैक्ट है कि MSP आज सिर्फ 6% किसानों को आम तौर पर हमारे देश में मिलता है, जहां पर सरकारी खरीद होती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और वो भी सिर्फ दो फसलों के लिए, एक तो धान है और दूसरा है गेहूं। बाकी दूसरे फसलों को सरकारी खरीद जनरली होती नहीं है, और पूरे देश भर में तो किसी भी फसल की खरीद सरकार नहीं करती। तो इसलिए ये जो MSP का जो लाभ मिलना चाहिए, वो पूरे देश के किसानों को आज भी नहीं मिल रहा, एक बात। दूसरी बात, ये जो MSP का जो मामला है, बीजेपी ने 2014 के चुनाव के पहले और मोदी जी ने खुद 440 अपने जो भाषण किए, सब में किए थे कि स्वामीनाथन कमीशन का रिकमेंडेशन हम लागू करेंगे अगर हम सत्ता में आए। अब स्वामीनाथन कमीशन का रिकमेंडेशन क्या था? उनका ये था कि अगर ये कृषि संकट को अगर दूर करना है, 4 लाख किसानों ने जो आत्महत्या की है हमारे देश में पिछले 25 साल के ये नवो उदारवादी नीतियों के चलते, उसको अगर रोकना है, तो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने ये कहा था कि पहली बात जो करनी चाहिए वो है हर किसान के हर फसल को लागत के 1.5 गुना दाम उसको मिलना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया था, उसको हम कहते हैं C2+50%। अब पिछले 7 साल में ये फॉर्मूला कभी भी अमल में नहीं आया, लागू नहीं किया गया। जो कुछ उन्होंने किया वो सिर्फ A2+FL, बहुत कम दाम है वो, C2+50% से बहुत कम, ये उन्होंने कुछ हद तक ये लागू किया, लेकिन वो पूरे किसानों का लागत खर्चा भी कई फसलों के बारे में उस दाम से निकलता नहीं है। तो ये पूरी तरह से आज वो दिशा भूल कर रही है मोदी जी की सरकार, कि MSP है, रहेगा, ये सब बकवास की बातें हैं। तो इसलिए अखिल भारतीय किसान सभा ने ये किया कि भाई MSP कैसे मिल सके, तो एक तो सरकारी खरीद एक उसका तरीका हो सकता है जरूर, लेकिन हम भी प्रैक्टिकल है, हम भी जानते हैं कि पूरे सभी फसलों को सभी सरकार पूरी तरह से शायद खरीद नहीं कर पाएगी। तो इसलिए कुछ दो तीन हमने विकल्प हमने सुझाए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो ये है कि जो कॉरपोरेट ये काफी ये सब फसल खरीद करती है और उसको प्रोसेसिंग करके बहुत सुपर प्रॉफिट के ऊपर वो बेचती है, तो इसमें से कुछ ये सुपर प्रॉफिट का हिस्सा प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी किसानों को मिलना चाहिए। ये हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता जो हमने अखिल भारतीय किसान सभा ने उसके अंदर सुझाया। उदाहरण के तौर पर अभी देखिए कि बासमती चावल,
उसके लिए आज किसानों को सिर्फ 1830 रुपए तक मिलता है किलो के पीछे, और वही चावल अदानी की कंपनी जो मार्केट करती है तो उसके लिए वो 208 रुपए में बेचते हैं। यानी किसान को मिलता है 18-20 रुपया और उसको बेचते हैं 208 रुपए में, तो ये सब बीच का सुपर प्रॉफिट कहाँ गया? हमारा कहना है कि उसमें से एक अधिकांश भाग हिस्सा ये किसानों को देना चाहिए, ये कॉरपोरेट से जो प्रोसेसिंग और ये सब करते हैं। दूसरा हमने किया है कि अगर सहकारी आंदोलन कोऑपरेटिव मूवमेंट को अगर स्ट्रेंथन किया जाए, अगर उसको बल दिया जाए, उसका अगर विस्तार किया जाए, तो ये सहकारी आंदोलन से भी जो मुनाफा मिलेगा उस मुनाफे का कुछ हिस्सा किसान को भी मिल सकता है, जो उस प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये एक दूसरा हमने किया। तीसरा हमने कहा कि ये जो प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड है, यानी अगर किसानों को कुछ इसके अंदर दाम एकदम गिरा, जो होता है मार्केट में कई बार, तो उसके लिए सरकार अभी जीएसटी का पूरा पैसा तो वही ले रही है केंद्र सरकार। आप जानते हैं कि राज्य सरकारों को भी उनका 6-6 महीने का जीएसटी का जो ड्यूज है वो आज भी सरकार ने नहीं दिया, केंद्र सरकार ने। तो हम ये कहते हैं कि ये सब जो पैसा आप इकट्ठा करते हो केंद्र सरकार, उससे एक प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड किसानों के लिए ये उन्होंने करना चाहिए, और उसमें से जो किसान संकट में है तो उन किसानों को कुछ दाम उसके अंदर से मिलना चाहिए। ये 2-3 बातें अगर करेंगे तो कुछ एमएसपी का कुछ मतलब निकलेगा और उसके अंदर किसानों को कुछ तो उनके हाथ में मिलेगा। एक ये तो आपने एआई केस के ड्राफ्ट बिल और एमएसपी और इन सब चीजों पे बात की। दूसरी चीज जो है कि सरकार ने, जैसे आपने बात भी की सरकार, लेकिन सरकार का 26 जनवरी के बाद से कोई सरकार ने बातचीत की पहल नहीं की है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई हम सिर्फ एक कॉल, फोन कॉल दूर हैं, लेकिन इतना समय बीत गया है और सरकार ने एक अगले कड़ी, जो सीरीज ऑफ टॉक्स चल रहा था उसकी अगली कड़ी के लिए बुलाया नहीं है किसानों को। उसके साथ ही लगातार किसान अभी भी अपना आंदोलन चला रहे हैं, तो सरकार का रवैया आपको इस वक्त कैसा लग रहा है? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। देखिए 26 जनवरी का की जो हिंसा थी वो अभी सब पूरे देश में सामने आया है कि वो हिंसा किसानों ने नहीं की, वो हिंसा बीजेपी के सरकार ने, पुलिस ने और उनके जो दलाल उन्होंने जो बिठाए थे, इन सब ने मिलकर 26 जनवरी के गणतंत्र दिन की हिंसा उन्होंने चलाई। ये अभी बात दीप सिद्धू वाला मामला, ये तो सब पूरे देश को अभी जानता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि दो चीजें हम पिछले एक महीने में देखते हैं। एक बात तो ये है, सरकार को लगा था कि ये 26 जनवरी के बाद पूरा जो जनसमर्थन है इस किसान आंदोलन को वो खत्म हो जाएगा, किसान आंदोलन बदनाम हो जाएगा, जो उनका उद्देश्य था उसको बदनाम करने का। लेकिन एक चीज हम देखते हैं कि ये बिल्कुल नहीं हुआ, आज उल्टा किसान आंदोलन ज्यादा बलवान हुआ है, और वो हमने देखा है 4-5 चीज मैं उदाहरण देना चाहता हूं। एक तो हमने अभी तक 4 महत्व के ऑल इंडिया के कॉल्स दिए हैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। पहला कॉल तो हमने ये दिया 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की जो हत्या का दिन है, उनके शहादत का दिन है, उस दिन पूरे देश भर में हमने कॉल दिया कि भाई ये पूरे जी हिंसा सरकार ने की, इसका निषेध करे, इसकी निंदा करे। तो ये हजारों जगह में 30 जनवरी का दिन ये बहुत बड़े पैमाने पर मनाया गया किसानों की तरफ, मजदूरों की तरफ, और बाकी सभी छात्र, नौजवान, महिला, वो सब उसके अंदर शरीक हुए। दूसरा कॉल हमने दिया 6 फरवरी को, चक्का जाम का कॉल दिया था, वो करीबन हमारे देश में 3000 जगह में बहुत ही जबरदस्त तरीके से चक्का जाम हुआ 6 फरवरी को। उसके बाद में 14 फरवरी को हमने ये पुलवामा के जो शहीद जिस दिन हुए थे, तो उनकी याद में, और हमारे दिल्ली के बॉर्डर पर अभी पिछले 3 महीने में 250 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, उनकी याद में हमने 14 फरवरी को पूरे देश भर में इनकी याद करने के लिए मशाल जुलूस और कैंडल लाइट विजिल, ये सब चीज हमने शाम को 14 फरवरी को ये कॉल दिया।
ये बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में इसको भी मनाया गया। और आखिर में 18 फरवरी को, अभी 2-3 दिन पहले, रेल रोको का जो कॉल दिया वो हमने किसान सभा की तरफ से पूरा डिटेल निकाला। कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी, उसके अंदर हमने ब्यौरा निकाला। करीबन 700 से ज्यादा जगह पर हमारे देश में ये रेल रोको आंदोलन बहुत ही कामयाबी के साथ, वो भी कामयाब हुआ। यानी ये एक तरफ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हजारों हजार किसान, इनकी महापंचायतें हो रही है। तो ये इसके पहले 26 जनवरी के पहले नहीं हुई थी, और लाखों किसान इसके अंदर शरीक हो रहे हैं। उसके अंदर जो दिल्ली बॉर्डर में हम देखते हैं, वही महापंचायतों में देखते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। हर धर्म का किसान, हर जाति का किसान और महिलाएं भी हजारों की तादाद में ये सभी महापंचायतों में आज हिस्सा ले रही है। लेकिन अभी तक 1 महीना होने को आया, लेकिन सरकार ने चर्चा के लिए तो बुलाया नहीं है किसानों को, लेकिन उल्टा क्या किया है उसके ऊपर मैं दोहराना चाहता हूं। सरकार ने दमन का पूरा रास्ता अपनाया 26 जनवरी के बाद। पहले तो 122 किसानों को गिरफ्तार किया, जो उनमें से सब बेकसूर है उनको गिरफ्तार किया। कुछ लोग आज भी मिसिंग है, कहाँ गए पता नहीं है। अभी 20-25 लोग, 40 किसान नेताओं के खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया उन्होंने। ये तो किसानों के खिलाफ में दमन उन्होंने शुरू किया, लेकिन वो अभी पिछले 1 महीने में सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहा। अब उन्होंने जो पत्रकार थे, जाने माने पत्रकार, जो पूरे किसान आंदोलन के समर्थन में बहुत इससे धैर्य के साथ वो ये कर रहे थे, उनके ऊपर अभी एफआईआर लगाए। राजदीप सरदेसाई जी है, मृणाल पांडे जी है, सिद्धार्थ वरदराजन जी है, विनोद जोश जी है, जफर आगा जी है, ऐसे सब पत्रकारों को उन्होंने अभी टारगेट किया, उनके ऊपर एफआईआर किया। सबसे बुरी बात, यानी न्यूज क्लिक जैसी जो संस्था, जो लगातार पिछले 12 साल से मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है, आज के ये किसान आंदोलन को आपने बहुत पहले से, शुरुआत से बहुत ही अच्छी तरीके से तो कवर किया ही, ऑब्जेक्टिव तरीके से आपने कवर किया, लेकिन पूरे देश में जो मजदूर, किसानों के, छात्र, नौजवान, महिलाओं के आंदोलन, खेत मजदूरों के आंदोलन और पूरे मध्यम वर्ग के भी आंदोलनों को आपने जो जिस प्रकार से कवर किया और पूरे देश को एक नक्शा बताया कि भाई पीपल स्ट्रगल्स नाम की चीज क्या है, अब ऐसे न्यूज क्लिक के ऊपर ईडी का रेड लगाना, तो ये बात भी पूरे प्रेस के ऊपर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर ये पूरे सरकार ने ये जो दमन चलाया है, ये उसकी हम बहुत कड़ी निंदा संयुक्त किसान मोर्चा ने की है, अखिल भारतीय किसान सभा ने भी हमने की है। दिशा रवि जैसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट मंगलोर की, 22 साल की लड़की, उसको गिरफ्तार करके अभी दिल्ली में लाया, आज भी वो जेल में है। उसके बाद में निकिता जेकब जैसी लॉयर मुंबई की, उनके ऊपर अभी वारंट लगाया। तो ये सब दमन की नीति बीजेपी और आरएसएस के सरकार ने जो अपनाई है, तो उसकी भी बहुत कड़ी निंदा ये हम करते हैं। लेकिन एक चीज हमने देखा है और उसका मैं जरूर जिक्र करूंगा। अभी पिछले हफ्ते में हमने देखा पंजाब में नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव हुए, और उन चुनावों में ये पूरे किसान आंदोलन का नतीजा, राजनीतिक नतीजा दिखने में आया। बीजेपी का इन सभी चुनावों के अंदर पूरी तरीके से सफाया हो गया, तो इस मुताबिक आज इसका जरूर असर हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की जो कल मीटिंग हुई, उसने ये आंदोलन को और तेज करने का भी कुछ निर्णय इसके बारे में लिए। जी, मेरा अगला सवाल सर इसी से है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आगे के कार्यक्रम तय किए हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं। और एक जो बहुत अहम बात है इस किसान आंदोलन की, जो शुरू से ही रही है कि इसने सिर्फ किसानों की बात नहीं की, इसमें इन्होंने मजदूरों को भी जोड़ा अपने साथ, तो उसको वो एक किसान और मजदूर एकता को आगे और जोड़ने के लिए और मजबूत करने के लिए क्या कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं? बिल्कुल सही। एक्चुअली ये 26 नवंबर से ये जो आंदोलन शुरू हुआ,
मुझे लगता है ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है कि 26 नवंबर को ये आंदोलन जो शुरू हुआ वो मजदूर किसान एकता से ही शुरू हुआ, क्योंकि 26 नवंबर को ये जो चार लेबर कोड भाजपा के सरकार ने पार्लियामेंट में पास किए, ये कृषि कानूनों के तुरंत बाद सितंबर महीने में, और उसी प्रकार की जनवाद की हत्या संसद में करते हुए ये सब कानून पास हुए, इनके खिलाफ 26 नवंबर को सभी ट्रेड यूनियन संगठनों ने एक दिन का ऑल इंडिया स्ट्राइक का कॉल दिया था, यानी पूरे देशव्यापी हड़ताल का कॉल 26 नवंबर को दिया था। और उसी दिन ये 500 किसान संगठन जो संयुक्त किसान मोर्चे के झंडे तले एक साथ आए हैं, उन्होंने पूरा ग्रामीण भारत बंद का कॉल उसी दिन दिया था 26 नवंबर को, जिस दिन ऑल इंडिया स्ट्राइक था ट्रेड यूनियंस का। और उसी दिन दिल्ली चलो का भी कॉल संयुक्त किसान मोर्चा ने दिया था। तो इस आंदोलन की शुरुआत ही हुई मजदूर किसान एकता के साथ। ये मुझे लगता है कि बहुत ही एक सूचक बात है, बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है। और उसके बाद लगातार मजदूर और किसानों की एकता इस आंदोलन के अंदर लगातार जारी रही है, क्योंकि आज मजदूर आंदोलन ये लेबर कोड जो चार लेबर कोड है इसके खिलाफ लड़ रहा है, हम किसान ये तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये कृषि कानून, जैसे आपने एकदम सही बताया कि ये कृषि कानून, मैं सिर्फ फिर से दोहराना चाहता हूं, किसानों के खिलाफ तो है ही, लेकिन सिर्फ किसानों के खिलाफ वो नहीं है, पूरे देश की जनता के खिलाफ भी ये कृषि कानून है। तो ये बात है। इसके मुताबिक अभी संयुक्त किसान मोर्चा की कल जो मीटिंग हुई, बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई, और उसके अंदर कुछ बातें हमने तय की है अगले हफ्ते के लिए। एक तो पहली बात है, कल 23 फरवरी है, अजीत सिंह जी जो शहीद भगत सिंह के चाचा जी थे, और उन्होंने जो पगड़ी संभाल आंदोलन जो बहुत मशहूर था उस वक्त पंजाब में, और ये यही किसानों के पक्ष में जो उन्होंने लड़ा था, उनकी जयंती है कल। आज 22 फरवरी को हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष, यानी लखनऊ के पहले कॉन्फ्रेंस में जो पहली बार अध्यक्ष चुने गए, बिहार के बहुत ही बड़े किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, आज उनकी जयंती है 22 फरवरी को। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया कि कल 23 तारीख को ये दोनों चीज, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती और अजीत सिंह जी की जयंती, संयुक्त रूप से मनाई जाएगी पूरे देश भर में। दूसरा हमने निर्णय जो लिया, ये सब जो दमन की नीति है उसका निंदा करने के लिए, उसका निषेध करने के लिए 24 फरवरी को पूरे देश भर में हमने कॉल दिया है कि बड़े बड़े प्रदर्शन हो सब पूरे देश भर में ये सरकार के दमन नीति के खिलाफ, और राष्ट्रपति जी को निवेदन उसके तरफ अलग अलग पूरे देश भर से भेजे जाएंगे। तीसरा हमने ये तय किया 26 फरवरी को इस आंदोलन को 3 महीने पूरे होते हैं, 90 दिन दिल्ली के आंदोलन को पूरे होते हैं, तो 26 फरवरी को हमने ये तय किया कि युवा किसान दिवस के रूप में हम पूरे देश भर में ये 26 फरवरी 3 महीने पूरे होने के दिन को हम मनाएंगे। और उस दिन ये सब पांचों बॉर्डर जो दिल्ली में है वहां हमारे किसान संगठनों के जो जवान है वो पूरा इस कार्यक्रम को वहां पांचों दिल्ली बॉर्डर पर चलाएंगे, और पूरे देश भर में ये जवानों को, आज नौजवानों को हम पूरी तरीके से, क्योंकि वही आगे ये पूरा मूवमेंट चलाएंगे, आज भी वो बहुत बड़े पैमाने पर उसके अंदर शरीक हुए हैं, तो उनको एक सम्मान देने के लिए नौजवानों को और युवतियों को भी हम उसके अंदर आज शरीक करेंगे 26 फरवरी को। आखिरी बात जो हमने कॉल किया, 27 फरवरी ये शहीद भगत सिंह के बहुत नजदीकी साथी चंद्रशेखर आजाद, इनका शहादत दिन है, और साथ में संत रविदास की जयंती भी है। तो ये 27 फरवरी का दिन हमने कल तय किया मजदूर किसान एकता दिन के रूप में पूरे देश भर में वो मनाया जाएगा। इसका मकसद यही है कि पूरे जनता के अलग अलग तबकों को हम ये किसान आंदोलन के साथ जोड़ना चाहते हैं, और जरूर मजदूर वर्ग ये तो हमारा सबसे करीबी दोस्त है, इसलिए 27 फरवरी का मजदूर किसान एकता दिवस
बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में मनाया जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर धावले हमारे साथ जुड़ने के लिए और किसान आंदोलन के बारे में और उसके आगामी कार्यक्रमों के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए। न्यूज क्लिक से जुड़े रहें, हम आगे भी इसी तरीके के मुद्दों पर आपके लिए बहुत से कार्यक्रम लाएंगे। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।